इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बागपत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सतपाल सिंह पर हमला होने की खबर है। यह हमला लायन मलकपुर में हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि सतपाल सिंह पर हमला राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किया है। सतपाल सिंह मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर हैं और वो अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। आनंद, क्या जानकारी है इस हमले के बारे में? और देखिए, ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह लायन मलकपुर एक गांव है बड़ौत में, वहां पे वो घूम रहे थे। उनको ये शिकायत मिली थी कि लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं वो कई जगह बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो बीजेपी के जो कैंडिडेट जो लोग हैं, जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, उनको वोट देने नहीं दे रहे हैं। उसी की जाँच के लिए वो पहुंचे थे वहां पे। तो बीजेपी का आरोप है कि वहां पहले से कुछ लोकदल कार्यकर्ता खड़े थे, उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की और ऐसी बातचीत जब कहा सुनी हुई और उसमें हाथापाई होने तक की नौबत आई, ये खबर आ रही हमको। हालांकि बीजेपी का तो यहां तक ही आरोप है कि उन पर हमला करने की कोशिश की, कुछ लोग फावड़े भी लेके आ गए, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसकी शिकायत उन्होंने पहले भी पुलिस को की थी और आज पुलिस को शिकायत कर दी है कि कम से कम सत्यपाल सिंह की सुरक्षा बढ़ाई जाए, और जब ये दौरे कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो उनके साथ पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।